अगला सवाल है साथी पूछते हैं कि नमाज में यानी पैंट वगैरह को जो फोल्ड करके नीचे से पैंचों को फोल्ड करके नमाज पढ़ना और इन करके जो है शर्ट को इन करके नमाज पढ़ना, इसकी क्या हकीकत है? भाई देखिए, शर्ट को इन करके पढ़ने की तो मैं नहीं समझता कि कोई वजह हो, इल्ला ये कि वो पैंट इतना तंग है कि नहीं है कि वो बिल्लाह में जालिक जो है वो सारा धड़ और सारी चीज़ें जो है क्या है वो वाज़े है कि नहीं, तो अलग मसला है इनका। मेरे मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कबाहत है। अलबत्ता जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पैंट को मोड़ लेने का, ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है कि इंसान आम हालात में अपने ख्वाहिशात के और या कोई उसकी वजह से मजबूर हो गया ख्वाहिशात के और जब अल्लाह के मस्जिद हाजिर हुआ तो वैसे कर ले रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है, उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे उसके उस गुनाह में कमी नहीं आएगी जो पैंट को टखने से नीचे रखने का गुनाह है। लेकिन यह है कि ये अगर नमाज के एहतराम में अगर कोई आदमी ऐसा कर लेता है तो ये एक अच्छी चीज़ है। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज 00966508959707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।